हेलो दोस्तों, मॉम एंड सिस किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर, लेकिन इसे हम बिना ऑयल के बनाएंगे, यानी कि इसमें हम एक बूंद भी ऑयल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने आधा कप सूजी ली है और इसमें आधा कप हम दही या छाछ डाल देंगे। ये हमने दही डाल दिया है इसमें। अगर दही या छाछ थोड़ा सा खट्टा होगा तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जैसा आपके पास हो वैसा यूज़ कर लें। और दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। ये इस तरीके से हम पानी डालते रहेंगे और इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये हमें थोड़ा सा पतला चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, 1 घंटे बाद ये दही पानी सब सूजी में एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। ये 1 चम्मच जीरा है, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1 टेबल स्पून प्याज कटी हुई बारीक बारीक, 1 टेबल स्पून टमाटर बारीक कटे हुए, 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। फ्रेंड्स, वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं तवे की तरफ। ये हमने एक पैन ले लिया है, पैन को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस पर ये बैटर को फैला लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये बनके बहुत ही बढ़िया चीला तैयार होगा। ये बैटर को हमने इस तरीके से फैला लिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको नीचे की तरफ सिकने देंगे। इसमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं क्योंकि इसको स्लो आंच पर ही पकाना है, तभी ये क्रिस्पी रहेगा। अगर आप इसको सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा कम समय के लिए पका सकते हैं। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। ये नीचे से सिक चुका है क्योंकि ऊपर से ये बिल्कुल सूख गया है। ये देखिए, ये कितनी आसानी से निकल गया और ये ऊपर से कितना क्रिस्पी दिख रहा है। अब इसको ढक्कन लगा के पीछे की तरफ फिर से हम इसको पका लेंगे। हमने ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये नीचे की तरफ भी पक गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब इसको हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम एक और डाल के दिखाते हैं। ये एक और हमने चीला फैला दिया है। फ्रेंड्स, अगर बैटर को आप थोड़ा सा पतला रखेंगे तो ही ये क्रिस्पी बनेगा, वरना ये सॉफ्ट रहेगा, इसलिए हमने बैटर को थोड़ा पतला रखा है। ये नीचे से पक गया है, अब इसको भी पलट लेते हैं।
ये देखिए इसको पलट दिया है हमने, ये ऊपर से सिक चुका है बहुत अच्छे से। अब हमें इसे नीचे की तरफ पकाना है, तो इसको ढककर पका लेंगे। ये नीचे से भी सिक चुका है। अब बाकी के भी हम इसी तरीके से फैला लेंगे। सारे चीले हम इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। आइए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको हरे धनिए की चटनी या सॉस के साथ या नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये चीला हमारे बनके तैयार हो गए। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये अंदर से सॉफ्ट भी हैं। तो ये खा के आपको लगेगा ही नहीं कि इसे हमने बिना ऑयल के बनाया है। ये देखिए कितने बढ़िया चीला बनकर हमारे तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है और ऊपर से क्रिस्पी, और हाथ में बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया है क्योंकि हमने ऑयल यूज ही नहीं किया है बिल्कुल भी। और इसको इस तरीके से हम एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।